अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ईडन कंपनी की वेल्डिंग मशीन का रिव्यू शेयर करूंगा। वेल्डिंग मशीन के अंदर अगर बात करें तो ईडन जो है ना बहुत अच्छा ब्रांड है। टॉप क्लास के जो ब्रांड्स है उनमें इसका नाम आता है ईडन कंपनी का। इसके जितने भी वेल्डिंग मशीन है सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मिलर हो गया या इसके अलावा और जो मेन ब्रांड है वेल्डिंग के अंदर, ये उनका मुकाबला करती है। ईडन बहुत अच्छी वेल्डिंग मशीन है, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपको असल ईडन की मशीन मिले, जो दो नंबर या कॉपी, अगर आप वो ईडन की मशीन ले लेंगे तो वो आपको मजा नहीं देगी जो आपको ओरिजिनल मशीन मजा देगी। ठीक है, तो पाकिस्तान में एक चीज होती है कि जो चीज सेल ज्यादा सेल होने लग जाती है ना, या जिसका नाम एक बन जाता है, उसकी उतनी ही कॉपियां आ जाती हैं, उतनी ही दो नंबर ही होना शुरू हो जाती है इस मशीन के अंदर। चाहे ईडन की मशीन है, चाहे कोई भी वेल्डिंग मशीन ले लें, अब ईडन का एक नाम है पूरी दुनिया में। ईडन की जितनी भी टूल्स हैं बहुत अच्छे टूल्स हैं इसके। ठीक है, तो आज आपके साथ मैं ओरिजिनल ईडन की मशीन का रिव्यू शेयर करूंगा। आपको कैसे पता चलेगा ओरिजिनल मशीन है, आप आगे चल के जब इसका रिजल्ट देखेंगे, जब मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, तब आपको आइडिया होगा कि मशीन किस क्वालिटी की मशीन है। ठीक है, तो ये ईडन की ये मशीन है, रेड कलर में है। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्पेशल फॉर 8 mm, यानी कि स्पेशल मशीन है 8 mm रॉड के लिए, यानी कि 8 नंबर रॉड के लिए ये जो मशीन है ना 8 नंबर के लिए, ये उन्होंने स्पेशल बोला कि ये स्पेशल मशीन 8 नंबर आर्ट के लिए। ठीक है, तो हम आगे चल के इसको चला के चेक करेंगे 8 नंबर आर्ट कैसा चलाती है। डबल वॉल्यूम के अंदर है, एमएम है 250 एस इसका मॉडल नंबर है। तो एक करंट कम करेगा, एक शोला कम करेगा। ठीक है, तो ये हमारी FAT टेक्नोलॉजी के अंदर मशीन है, FAT3 कार्ड के अंदर ये मशीन है। ये इसे स्विच लगा हुआ है, ये चेक कर सकती हैं। ये एक तो ये इसको 3 पिन वाला स्विच लगा हुआ है। ठीक है, पीछे इसके ऑन ऑफ बटन और फैन लगा हुआ है। मशीन को जो है ना मैंने पहले ही खोल रखा था ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, पेज वगैरह मैंने खोले हुए थे इसके, ताकि आपको जो है ना चला के चेक करवा सकूं। तो दोस्तों ये मशीन मैंने ओपन कर ली है, तो ये आप चेक कर सकते हैं इसका जो अंदर चीजें लगी हुई हैं। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको चीज बताता हूँ, ये जो है ना FAT टेक्नोलॉजी के अंदर है। FAT और IGBT दो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ज्यादातर चलती हैं। FAT टेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा जो आप देखेंगे इसी तरह के कार्ड लगे होंगे, 3 कार्ड लगे होंगे, लेकिन IGBT के अंदर सिर्फ 1 कार्ड लगा होता है। उसके अंदर भी क्वालिटी आती है, सिंगल कार्ड, डबल कार्ड, 3 कार्ड, और ये इसमें भी क्वालिटी आती है, सिंगल कार्ड, डबल कार्ड, 3 कार्ड। ठीक है, तो आप एक मैं वीडियो अलग बनाऊंगा, काफी सारे लोग कन्फ्यूज हैं IGBT और FAT के मतलब, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्लियर करूंगा ये सारी चीजें। आज की वीडियो में सिर्फ आपको ईडन की बात करेंगे। अब ये इसको FAT लगे हुए हैं 2, 4, 6 by 6, 12 FAT वाली मशीन है। ठीक है, 6 उस तरफ लगे हैं, 6 इस तरफ लगे हैं, 12 FAT लगे हैं, 12 रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ठीक है, कैपेसिटर लगे हुए हैं 4 इस मशीन को। ठीक है, 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये इधर से पतली लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे अक्सर केबल लगी होती है, लेकिन उन्होंने कंपनी ने पतली लगा के भेजी है ताकि मशीन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मशीन जो है 3 कार्ड में है या 2 कार्ड में है। मैं एक चीज समझाता हूँ कि FAT वाली कोई भी मशीन ले लो, चाहे 12,000 की ले लो, चाहे 10,000 की ले लो, चाहे 15,000 की हो, चाहे 50,000 की हो, उसके अंदर कार्ड जो है ना इस तरह से लगे होंगे, एक ऐसे, दूसरा या तीसरा कार्ड इस तरह से लगा होगा। ज्यादातर मशीनों में ऐसे ही होगा। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो आपके मेन FAT होते हैं ना, FAT या रेक्टिफायर, इनके ऊपर मशीन की मेन क्वालिटी होती है। किसी के अंदर 4 लगे होंगे, 2 इस तरफ लगे होंगे, 2 उस तरफ लगे होंगे। ठीक है, किसी के अंदर 3 लगे होंगे इस तरफ, 3 उस तरफ लगे होंगे, यानी कि 6 टोटल लगे होंगे। अब इसके अंदर टोटल लगे हुए 12 FAT। ठीक है, तो ये फिर फुल हैवी ड्यूटी मशीन आ जाती है, 3 कार्ड वाली मशीन, इस वजह से बोलते हैं कि ये फुल हैवी ड्यूटी मशीन आ जाती है। इससे महंगी भी आपको मशीन मिल जाएगी 400 में 500 में। ठीक है, वो फिर और ज्यादा उसमें अंदर FAT लगे होंगे, ये चीज होती है। अब आपको उसका कार्ड दिखाता हूं ऊपर से, ये देखे कॉम्पोनेंट्स लिखे। अब मीटर को अगर आप देखें ना, मीटर को उन्होंने सिस्टम जो लगाया हुआ है ना, बहुत अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है मीटर का। मीटर आपका खराब नहीं होगा। आम में मीटर वो जैक लगा होता है, वो हिलता रहता है, और मशीन जो है ना आपका करंट कम ज्यादा बताती रहती है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ब्रीक ब्रीक जो चीजें है ना, सारी उन्होंने अच्छी क्वालिटी की लगाई है। अब जो उन्होंने वायर यूज की हुई है इसमें, क्वालिटी की वायर जो है ना अच्छी क्वालिटी की यूज की हुई है। जो FAT लगे हुए हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। ठीक है, हल्के कैपेसिटर लगे हुए, अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, रिले, रेक्टिफायर,
हर चीज कंपनी ने ना जो अच्छी क्वालिटी की तैयार की है, ताकि ये प्रोफेशनल मशीन बनी है, ताकि ये आप उसे सारा दिन भी चलाएं ना तो मशीन आपकी गर्म ना हो और ख़राब ना हो, ठीक है। इस वजह से ये मशीन जो है ना क्वालिटी में अच्छी है, इसका नाम है। अब ये ओरिजिनल मशीन दिखा रहा हूँ, अब जो अगर आप कापी ले लेंगे, दो नंबर मशीन ले लेंगे, उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा ईडन का, या हल्के फुल्के स्पेलिंग चेंज करके मशीन को ये आपको भेज दे, तो वो मैं उसका नहीं कह सकता, मैं इस मशीन की बात करूंगा। अब आगे चल के आपको मैं चला के इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ, ताकि आपको इसकी क्वालिटी का भी अंदाजा हो जाए कि मशीन चलने में कैसी है। मशीन ऑन होगी, आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने मशीन ऑन कर ली है, इस टाइम पूरा करंट शो कर रही है, ठीक है। माइनस वाली अर्थ की लीड है, प्लस वाली होल्डर की है। तो सबसे पहले हम 12 नंबर आर्ट चलाएंगे, तो ये 12 नंबर आर्ट है, ठीक है। अब 12 नंबर आर्ट का आपको रिजल्ट चेक करवाता हूँ जी इसके ऊपर। ये आप करंट चेक कर सकते हैं 12 नंबर आर्ट के ऊपर, ये 12 नंबर आर्ट है जी। ठीक है जी, ये 12 नंबर आर्ट है। आप कटाई करना चाह रहे हैं जैसे मर्जी कटाई करें, ये देखिए मैं आपको देख रहा हूँ। ये जी इसने काट दिया एंगल, ठीक है जी, ये 12 नंबर आर्ट है। करंट थोड़ा कम कर लेते हैं अभी। ये जी करंट का वॉल्यूम है जी, इसे मैं 132 पे ले गया हूँ, ठीक है। ये 132 पे है इस टाइम, इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं ताकि जरा आसानी हो जाए चेक करने में रॉड को। 86 पे आ गया इस टाइम, ठीक है जी, 86 पे आइए। देखें, रुकने वाला काम नहीं है इसमें, रुकेगा नहीं वेल्डिंग आपका ना, जितना मर्जी आप करंट कम कर लें आपका बेहतरीन रॉड चलेगा। ये देखें 86 के ऊपर 12 नंबर रॉड चला रहा हूँ, अभी इसको और कम करते हैं जी। ये 66 पे आ गया, 66 पे मैंने सेट कर लिया इसे, ये देखें जी 66 के ऊपर, रुकने वाला काम नहीं है, ये बेहतरीन आपका जो है ना काम कर रहा है, ये देखें। अब जो कारीगर बंदा ना उसको यहीं पे समझ लगी होगी कि मशीन की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अब आपको 10 नंबर आर्ट का रिजल्ट चेक करवाता हूँ, ये 10 नंबर आर्ट है। अब 10 नंबर आर्ट का आपको रिजल्ट चेक करवाता हूँ, तो ये 10 नंबर आर्ट लगा लिया जी, 10 नंबर आर्ट है, पीछे अभी 65 के ऊपर करंट है, ठीक है, अभी 65 के ऊपर ही है, ये 65 के ऊपर 10 नंबर आर्ट चला रहा हूँ, ठीक है जी, कम करंट के ऊपर। अगर आप ब्रीक काम करना चाह रहे हैं आपका इजीली हो जाएगा। ये 10 नंबर आर्ट है, करंट चेक कर ले, 65 के ऊपर है, कोई भी मशीन नहीं चलाएगी आर्ट 10 नंबर का, ये आपके सामने है जी, ये देखिए। अब थोड़ा सा इसको तेज करते हैं, ये 100 पे हो गया, ठीक है, इस टाइम मैंने 100 पे सेट कर लिया जी। ये 100 के ऊपर है, रुकने वाला काम नहीं है, जहां से आप रॉड चलाएंगे वहीं से चलेगा, ठीक है, ये देखिए, इसमें रुकने वाला काम नहीं है, ठीक है, ये देखें। तो अब इसको हम फुल तेज कर लेते हैं करंट को, ताकि 10 नंबर रिजल्ट चेक हो जाए हमारा। ये मैंने फुल के ऊपर सेट कर लिया है, ये 250 एम्पीयर पूरा शो कर रहा है इस टाइम, ठीक है जी, ये देखें 10 नंबर आज बेहतरीन है, जैसे मर्जी चलाएं। यहाँ पे चेक करवाता हूँ जी आपको, यहाँ पे ये देखें, ठीक है जी, ये 10 नंबर आ रहा है। अब इससे अच्छा रिजल्ट आपको क्या चेक करवाऊंगा मशीन का, ये आपके सामने है, ये देखिए, राड आप साथ जोड़ भी देना तब भी इसको कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। अभी आपको राड भी जोड़ के चेक करवाता हूँ, ये राड मैंने जोड़ दी है, 10 नंबर राड है, मैंने साथ जोड़ दिया होगा, ठीक है। ये अब राड की कंडीशन देखने, ये देखें जी राड की कंडीशन देखें, ये इसने पिघला दिया राड को सारा, ये 10 नंबर राड है, ठीक है, ये आपके सामने है जी, पूरे का पूरा राड फाड़ी कर दिया। अब आपको 8 नंबर का रिजल्ट भी चेक करवाता हूँ इस मशीन के ऊपर। तो दोस्तों ये 8 नंबर राड है, मोटा राड होता है सबसे, 8 नंबर राड, ठीक है। अब आपको 8 नंबर राड का रिजल्ट चेक करवाऊंगा। कंपनी क्लेम करती है जी स्पेशल फॉर 8 नंबर राड ऊपर लिखा हुआ है, तो हम 8 नंबर राड का रिजल्ट चेक करते हैं जी। Yeah,
ये 8 नंबर 8 है जी, फर्स्ट क्लास चला रही है मशीन, जो कंपनी ने ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल उसी के मुताबिक 8 नंबर 8 चला रही है। ये आपके सामने 8 नंबर 8 आपको चला के चेक करवा रहा हूँ, ये देखें। ये देख लें 8 नंबर 8 ठीक है। तो ये जो ब्रांडेड मशीनें ओरिजिनल मशीनें होती है ना, उनकी क्वालिटी ऐसी होती है ठीक है। ये अब आपके सामने जी 8 नंबर 8 है, ये देखें ये कितना मोटा रॉड है ठीक है। ये देख लें आप, ये 8 नंबर 8 है ठीक है। ये देख, दोस्तों रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया इस मशीन का, अब मुझे मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है मशीन के बारे में, आपके सामने हर चीज रख दी है। तो जो भी भाई ये मशीन लेना चाह रहा है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, आप किसी भी शहर में मंगवा सकते हैं। इसकी जो प्राइस होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां पर जाकर आप इसकी प्राइस भी चेक कर सकते हैं ठीक है। तो बाकी इसके अलावा अगर आप कोई वेल्डिंग मशीन लेना चाह रहे हैं तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।